हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ ऐसी शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले, कुछ ऐसे पेनी स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि अच्छे खासे रिटर्न दे चुका है और आगे भी दे सकता है। और कुछ मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना अच्छा तो होता है, बट किस रेंज में करना चाहिए, और कि अगर हम कुछ ज़्यादा पैसा फंसा देते हैं तो कुछ पेनी स्टॉक हमें फंसा भी देते हैं, तो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल दूंगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट हम वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जिस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ वो है टाटा टेली सर्विस शेयर। इसे टेली सर्विस शेयर इसका नाम है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे वन मंथ में, तो देखिए वन मंथ में ये शेयर 7-8 रुपये का चलता था, और 7-8 रुपये से चल के ये शेयर लगभग अभी ये कितने रुपये तक पहुँच गया था, ये लगभग 21 रुपये पे अगर हम कहें तो 22 रुपये 80 पैसे तक ये पहुँच गया था। बट उसके बाद से लगातार यहाँ पर गिरावट आ रही है। तो देखिए ये जो शेयर्स होते हैं, पहली बात तो पेनी स्टॉक्स होते हैं। पेनी स्टॉक्स का मतलब है कि ऐसे छोटे छोटे शेयर जिनकी वैल्यू कम होती है और जो कि क्या कहते हैं, ऑपरेटर इसमें इतने एक्टिव होते हैं ना कि आप ये जो शेयर चल रहा है ना, आपको ये ऐसे ऐसे नहीं दिख रहा, ठीक है, ये आपको सीधे दिख रहा है। तो मतलब इसमें ये यहाँ से तो देखिए अपर सर्किट लगा, तो यहाँ पर से अब लोअर सर्किट लगना शुरू कर दिया है। अगर हम देखें पिछले 2-3 दिन से, यहाँ पर देखिए अपर सर्किट, और फिर यहाँ से कल भी लोअर सर्किट, आज भी लोअर सर्किट। तो यहाँ पर जिसने खरीदा होगा वो फंस गए होंगे और निकल भी नहीं सकते। और निकलना कैसे है वो मैं आगे आपको लास्ट में बताऊँगा कि इस कैसे हम निकल सकते हैं, उसमें गारंटी नहीं है, बट कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। तो देखिए ये पहले बता देता हूँ यहाँ पर चार्ट पैटर्न। तो देखिए ये जो टाटा ग्रुप का है, तो टाटा ग्रुप की हर एक कंपनी अच्छी हो ऐसा कोई लिखा नहीं हुआ है, बट टाटा की कंपनी अच्छी होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी अरे गहरे नथू कह रहे स्टॉक में आप पैसा लगा दो तो आपका पैसा बनेगा। और छोटी छोटी शेयर्स में के पीछे ना भागने अच्छा है, बट एक लिमिट होती है। मतलब आपको जो पैसा लगाना होता है ना, 100, 200, 500, 1000 ही लगाना होता है कि कल को अगर वो जीरो भी हो जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े, इसलिए छोटे छोटे पैसे लगाओ। और जो आपके मल्टीपल जो बड़े बड़े आप अमाउंट होती है, जो 1000 और 1 लाख में आप लगाते हैं, वो हमेशा लार्ज कैप और मिड कैप में लगाइए, ऐसे पेनी स्टॉक्स में बिल्कुल मत लगाइए। वो भी एक हिस्सा डिवाइड होता है हिस्सा, तो उन हिस्से में 80-20 70-20-10 इस तरीके से आप रेशो बनाइए, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। तो यहाँ पर अगर आज के यहाँ परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो आज की देखिए डिलीवरीज कुछ भी नहीं है, क्योंकि बेच लोअर सर्किट लग रहा है तो खरीदेगा कौन, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिए। 52 का ही 7 अप्रैल को 1 रुपये का था, 22 रुपये तक गया था, तो मतलब आपको 22% 22 गुना रिटर्न यहाँ पर दे चुका है ये शेयर, बट लोअर सर्किट अपर सर्किट ऑपरेटर एक्टिव। इसके अलावा एक और शेयर है डीजी स्पाइसेस टेक्नोलॉजी, ये तो मिल ही नहीं रहा, ये तो पता नहीं कितने टाइम से ये केवल अपर सर्किट में ही चल रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए 22 जनवरी से ये केवल अपर सर्किट में ही चल रहा है। कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। ये आई थिंक कुछ मोबाइल से रिलेटेड भी इनका काम है, तो इसलिए ये और टेक्नोलॉजी का आपको पता ही है किस तरीके से शेयर क्या भाग रहे हैं। आप भी इस चीज़ से पीछे आपको पता ही है कि किस तरीके से शेयर भागते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ पर ये शेयर केवल 1-2-3 रुपये में चला करते थे, और फिर पेंडेमिक में ये शेयर देखिए ऊपर नीचे, बट यहाँ पर भी ऑपरेटर एक्टिव है, तो इसलिए ध्यान में रखिए। आप बाई ऑर्डर लगा के रख देंगे तो आप कभी भी ट्रैप हो सकते हो, अगले दिन से पता चले आपको लोअर सर्किट में खेलना पड़ रहा है और आपने यहाँ पर पैसे लगा दिए अच्छे खासे, तो गिरता हुआ नजर आएगा। तो क्वांटिटी पहली बात तो किसी भी रैली में, गिरती हुई रैली में और बढ़ती हुई रैली में पार्टिसिपेट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप इस तरीके से अगर अपर सर्किट लोअर सर्किट में डील करेंगे ना तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, प्रॉफिट चला जाता है, कोई परेशानी नहीं है, अफसोस मत करिए। मार्केट है आपको हजारों आगे चल के हजारों मौके मिलेंगे, आप काउंट करना इतने पैसे बनेंगे अगर आप दिमाग से शांति से पीसफुली काम करोगे ना कि हाँ ये चला गया कोई नहीं चले जाने, तो दूसरा मौका आएगा। तो वेट करो, पेशेंस रखो, मार्केट गिरती भी है मार्केट बढ़ती भी है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सर्किट ही लग रहा है, बट स्टिल यहाँ पर भी कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। 52 वीक लो 25 मार्च को 2 रुपये का था, आज 52 रुपये का है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना गुना आपका पैसा हो चुका है। एक और शेयर है ये GTL इंफ्रास्ट्रक्चर
लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो देखिए अभी आपको न्यूज़ आई है, इस वजह से ये शेयर भी छोटे छोटे भाग रहे हैं, बट पैसा हमेशा आपको बड़ी कंपनी में ही बनता हुआ नजर आएगा। ये शेयर भाग गए तो ये शेयर एक दो दिन में नहीं भागेंगे, ये शेयर को टाइम लगेगा अगर भागेंगे भी तो। अगर ये अच्छे खासे निकले बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की तरह, टाइटन की तरह, तो टाइम लगता है। टाइटन भी 2020 साल में हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ऑपरेटर एक्टिव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले अपर सर्किट, लोअर सर्किट, फिर फ्लैट, फिर ऊपर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, फिर ऊपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, और फिर दोबारा अपर सर्किट। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, देखिए गिरते हुए है ये। ओके, ये इस तरीके से जो मार्केट में गिरे होते हैं ना, तो वो पैनी स्टॉक नहीं होते। पैनी स्टॉक आपको ऊपर से नीचे जाते हुए नहीं दिखेंगे। पैनी स्टॉक का मतलब है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत गिर गया ठीक है, बट इस तरीके से 100 रुपये का शेयर 1 रुपये पे आ गया, 50 पैसे पे आ गया, ओके, तो इस तरीके से नहीं होता। तो इस पैसों में चलने वाला देखिए यहाँ पर 55 पैसे, 40 पैसे, 45 पैसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस तरीके से शेयर में। थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, और बिल्कुल थोड़ा सा मतलब 50-100 रुपये लगा दिए शेयर की वैल्यू के हिसाब से, तो इनफ है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कुछ दिखाएगा नहीं, देखिए अभी भी लगभग 1,46,000, 1,04,61,326 करोड़ की यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है। 58.07, 15 पैसे का 25 मार्च को था, अभी 1.35 पैसे का ये शेयर है। तो ये GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे भी ध्यान दीजिएगा। एक और है सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड, तो ये कैपिटल से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये शेयर है। सबसे पहले मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो मैक्सिमम 2018 में शेयर आया था, तब से देखिए गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। ओके, तो इस शेयर के बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर हम पैंडामिक से देखेंगे, तो ये शेयर अगर हम 6 महीने पहले की देखते हैं, तो 14 रुपये का शेयर हुआ करता था, फिर फ्लैट ऊपर, फ्लैट ऊपर, और यहाँ से देखिए अभी ये भागना शुरू कर दिया, अब यहाँ पर फ्लैट, तो शायद ये बढ़ भी सकता है। तो ओके, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। बाकी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास नॉलेज नहीं है। अगर किसी भी पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड आपको इंडिविजुअल वीडियो चाहिए उसके, ताकि मैं फंडामेंटल एज वेल एज आपको फाइनेंशियल उसके एनालाइज करके आपको बता सकूं, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे शेयर में थोड़ा ही पैसा लगाना है, हमेशा ध्यान रखना पैनी स्टॉक है, ज़्यादा मत लगाना, वरना कल को आप ट्रैप हो जाओगे, फिर आप कहोगे कि हम ट्रैप हो गए। तो देखिए 2 decades हो चुके हैं, ओल्ड इंटीग्रेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज है, ओके, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनका बिजनेस है, जो कि मैं आपको बता ही रहा था। इसके अलावा ट्राइडेंट, ट्राइडेंट कंपनी पे आप भरोसा कर सकते हो, और ये पैनी स्टॉक एक्चुअली है भी नहीं। ओके, अगर हम देखेंगे तो यहाँ बीच में स्प्लिट हुआ था, ओके, जिसकी वजह से 60 रुपये का शेयर आपको 6 रुपये पे आता हुआ नजर आया था, बट स्टिल अगर हम यहाँ पर 1 month का चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो अच्छा खासा आपको दिखेगा। पहले 3 और 6 रुपये का शेयर था, फिर 8 रुपये का हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पर गया, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई, कुछ इन्होंने अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश करी है। ओके, तो इसी चीज़ में ये बीच में FMCG में भी उतरने वाले थे, पता नहीं अभी क्या है न्यूज़, तो अभी मुझे भी नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट अभी अगर हम देखेंगे तो ये भी एक पैनी स्टॉक कहते हैं लोग, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। बट ज़्यादा पैसा इसमें भी नहीं फंसाना है, आप देख सकते हैं ये वॉलेटाइल कितना है, ऊपर गया नीचे गया, वॉलेटिलिटी इसमें साफ देखी जा सकती है। ओके, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। बट ये सारे अभी तक जितने पैनी स्टॉक बताया उनमें से ये सबसे अच्छा नज़र आता है। इसके अलावा ये आर्शिया लिमिटेड एक कंपनी भी है। ओके, अगर हम इसका 1 year का चार्ट पैटर्न देखेंगे, पहले 16 का था, ओके, 7 रुपये पे आया, ओके, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से, तो फिर ये अभी अपर सर्किट में ही। तो जितने भी ये स्पेनिश स्टॉक्स आप कह रहे हो ना, ये सारे के सारे आपको अपर, मोस्टली अपर सर्किट या लोअर सर्किट में ही चलते हुए आपको नजर आएंगे। तो इसलिए इन शेयर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं कहाँ पर, ये 324-25 रुपये का शेयर था, वो कंटिन्यूसली गिरते गिरते 5-6 रुपये पे भी आता हुआ नजर आया है, और अभी 29 रुपये पे ये चल रहा है। तो आपको विद इन बजट के बाद से, तो इतने मतलब इन्होंने 30-40% के आपको रिटर्न्स देते हुए नजर आए हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कंपनी जो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो ओके, ये कंपनी का काम ये है। अगर पर्टिकुलर वीडियो पे आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको उसमें बना के दे दूंगा। इसके अलावा देखिए ऊर्जा ग्लोबल, इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, ये ट्राइडेंट की तरह ही मैं इसे मानता हूँ, और ये ग्लोबल से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ये कंपनी काम कर रही है। बट अभी देखिए पहले तो ये भी अपर सर्किट में ही चल रहा था मामला। ओके, अच्छा खासा ऊपर तक गया था ये, और बीच में इन्होंने अभी राइट इशू भी लेके आए थे,
तो वो भी शेयर लोगों को मिले होंगे। फिर यहाँ पर अभी ये देखिए लोअर सर्किट में चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छे ये थोड़ा शेयर पे बिलीव कर सकते हैं, बट स्टिल इस पे भी ज़्यादा पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा लगा के थोड़ा देख लीजिए, वरना जो आप फंसे रहे, वरना किस तरीके से फंसोगे वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये शेयर है विकास मल्टीकॉर्प, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न तो नहीं, 1 साल का चार्ट पैटर्न लेंगे आप तो देख सकते हैं। 2 रुपये का शेयर था, 95 पैसे 1 रुपये पे आया, इसके बाद सीधे आपको 21-22 रुपये पे जाते हुए दिखा, 21 रुपये 40 पैसे 52 वीक हाई है। ओके 52 वीक 90 पैसे था, और फिर उसके बाद देखिए उस दिन से केवल लोअर सर्किट, बीच में दोबारा ऑपरेटर एक्टिव, फिर लोअर सर्किट, तो अभी तक लोअर सर्किट पे चल रहा है। और लोगों ने इसमें मेरे पास आया था कि मेरे 1 लाख रुपये चले गए, मैंने 1 लाख रुपये इसमें 2 लाख रुपये लगाए थे, 1 लाख ही बचा, 6 रुपये पे खरीदा था, जो भी खरीदा था तो उसे 1 लाख रुपये का नुकसान हो गया था। और यह अभी लोअर सर्किट में ही चल रहा है तो और नुकसान हो रहा होगा। तो इसलिए मैंने जब भी वीडियो बनाई है इस शेयर पे भी, तो मैंने आपको बताई है पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक हमेशा वॉलेटाइल रहते हैं, ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं, ओके अपर सर्किट लोअर सर्किट में काम चलता है, इसलिए ज़्यादा पैसा नहीं, केवल 100, 150, 200, 500 रुपये लगाना, क्योंकि अगर बढ़ गया ठीक है, नहीं बढ़ा तो आपको कोई गम ना हो ऐसा। वरना शेयर बाज़ार में लोग आते हैं, अच्छी खासी बैट लगाते हैं, एक बार में पैसे देके मूव कर जाते हैं और फिर वो वापस लौट के नहीं आते हैं। तो इसलिए ऐसे शेयर में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना, थोड़ा से ही पैसा लगाना है। ओके, और इसके अलावा एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है। ओके, एक लिंक से आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, एंजल ब्रोकिंग के साथ नंबर 1 है ओके अपने अपने सेक्टर में, एज वेल एज राम मंदिर के लिए यहाँ पर डोनेशन के लिए ये लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्री में, मतलब आप इसकी वेबसाइट पर चले जाएंगे सीधे ओके, और आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और यहाँ पर मैंने कल वीडियो बनाए थे 6 स्टॉक जो कि आज भागते हुए नज़र आए थे, बट प्रॉफिट बुक हुई तो थोड़े से नीचे आ गए, बट स्टिल पॉजिटिव ही बंद हुए थे, तो इन वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक और वीडियो इससे पहले मैंने डाली थी, काफ़ी अच्छी वीडियो है, तो उसे जाके देख लीजिए, 10 रुपये का स्टॉक ने लोगों को करोड़पति बनाया है ओके, तो वो उस तरीके से वो पैनी स्टॉक्स कैसे बढ़ते हैं उससे आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट कर लेगा, और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अपनी जरूर ले लेगा कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।